अगर आज एक लफ्ज में मुझसे कोई खूबसूरती की तारीफ पूछे तो मैं तुम्हारा नाम लूं। बस ऐसी लाइन कोई मुझे शहरयार से सुननी है। तुम्हारी ज्वेलरी कितनी डेलिकेट है, किससे बनवाई? बनवाने का टाइम ही कहाँ था, ये तो मैंने कल जाकर ली है, जो हाथ लगा मैंने उठा लिया। बाकी शादी के बाद बनवाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैडम के और चीजें खरीदने के भी प्लान्स? ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है हमारे यहाँ कितनी दावतें होती हैं शादी के बाद। एक तो हमारे इतने सारे रिश्तेदार, ऊपर से शहरयार के भी बहुत रिश्तेदार हैं। अच्छा मुझे बताएं, वो लोग आ गए? मुझे लगता है वो 2 मिनट में आ ही रहे होंगे, मैंने देख क्या थी। तुमसे कहा अगर आज मुझसे कोई खूबसूरती की एक तारीफ पूछे तो मैं तुम्हारा नाम दूंगा। आज मुझे रटी रटाई चीजें नहीं सुननी, वो सुनना है जो तुम्हारे दिल में, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ, और इस मोमेंट को मैं कैप्चर करना चाहती। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे। मेरे तुम मेरे दिल में बसती हो कि जैसे हो कोई घर का। कहीं जब दूर जाती हो तो धड़कना भूल जाता है, मेरी आंखों में अब कोई तुम्हारे पे नहीं जचता। मुझे मजबूर करता है मेरा दिल तुमसे कहने को मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में तुम्हारे नाम का ही वर्द जारी है, फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है।
ये तुमने मेरे लिए लिखी है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। हाय हाय, तुम कब आई? कैसी हो? ठीक है मामा। अरे वाह, आज तो कोई फॉर्मली तैयार होके मेहमानों की तरह आया भाई। अब मेहमान हो गई हूँ तो मेहमानों की तरह आऊंगी और मेहमानों की तरह खिदमत भी कराऊंगी। फिर वही बात, कितनी बार कहा है हम इस घर में मेहमान नहीं है। अच्छा नाजी, सेंटी क्यों हो रही? तो मजाक कर रही थी। अच्छा आप लोग सब कुछ छोड़े, मैं आपको दिखाती हूँ शहरयार ने कितने खूबसूरत अंदाज में मेरी तारीफ। दिखाओ। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में तुम्हारे नाम का ही वर्द जारी है, फकत अब मैं नहीं मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। वाह, ये मौसूफ तो शायर भी निकले है ना। मैं पता था, मैं भी सरप्राइज हो गई थी। इंटरेस्टिंग। सॉरी मैं लेट हो गई। प्लीज प्लीज। नहीं, आई अंडरस्टैंड। खूबसूरत लगने में कुछ वक्त तो लगता है। आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई बात बुरी ही नहीं लगी। आयजा बहुत लकी है। हाँ, लकी तो है। एनीवेज बताइए, क्या आप लेंगी? आप यहाँ की कॉफी बेहतरीन है। बताइए। आर यू श्योर? कॉफी बहुत अच्छी। तो फिर क्या बात करनी थी? और बताइए कौन है वो जिसको आपसे मोहब्बत हुई है? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं सकता। ना, मिलना तो बाद में देखेंगे, सब नसीबों की बातें होती। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि ना वो मेरी नसीब में है और ना ही मेरे हाथों की लकीरों में। अच्छा, लाइए जरा अपने हाथों की लकीरें, मैं भी तो देखूं कि उसमें क्या है और क्या नहीं। आपको हाथ देखना आता है? आता है। फिर तो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको अपना हाथ, आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा चलें, बताइए कौन है? है कोई जिसको मैं दिल से चाहती हूँ और आज बहुत हिम्मत करके उसको ये बता देना चाहती हूँ। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिम्मत करें और बता दें, कहने उसे। अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैंने ही बुलाया है जब यहाँ पे। इनफैक्ट ये तुम्हारी बहुत मदद भी कर सकती है। अरे आओ, बल्कि मैं एक सीट लेके आता हूँ। ताबिश तुम पहले बाहर गाड़ी देख लो, ड्राइवर ने शायद गलती से हिट कर दी। ओह माय गॉड, ज्यादा तो नहीं लगी? मैं देखता हूँ यार। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, तो फिर ताबिश को इस तरह से यहाँ बुलाने का क्या मकसद? उसने मुझे कहा था कि साथ में कॉफी पीते हैं। झूठ मत बोल। ताबिश अगर ऐसा होता तो वो यहाँ मुझे नहीं बुलाता। क्या चाहती हो तुम? ताबिश को चाहती हूँ, वो चाहिए मुझे। और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो सबको बता दूंगी कि तुम्हारी हकीकत क्या है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने होश में तो? होश तो खो बैठी थी जब पता चला था कि वो तुमसे प्यार करता है। मैं तुम्हें उस घर से निकलवा दूंगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैं अच्छा वाकई तुम ऐसा कर सकती हो?
तुम तो खुद एक बहुत बड़ी झूठी हो। लेकिन मेरे झूठ का ताल्लुक तुमसे नहीं है। लेकिन मेरा ताल्लुक ताबिश से है और शायद जुड़ जाता अगर तुम बीच में ना आती। अगर तुमने एक बार और ताबिश का नाम अपनी जबान से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ताबिश 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 औकात मेरा। औकात तो अब मैं तुम्हारी बताऊंगी ताबिश को। जान कर रहूंगी ये उस कमरे में मौजूद शाह सुलेमान से तुम्हारा क्या रिश्ता है और फिर ये सारी हकीकत ताबिश को बता दूंगी। देखती हूँ कि दुनिया में जिस शख्स पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है उससे धोखा खाएगा तो कैसा महसूस करेगा। अपने आप को समझती है, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझती जा रही है। जानती भी है कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों को अपना कहा ना मानने पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। मैं यहाँ आपको मुबारकबाद देने आई थी। क्या मुबारक? खुले बाल, शादी की तैयारियां, आपका प्लान कामयाब हो रहा है। ताबिश ने तुमसे बात की है क्या? न सिर्फ उसने मुझसे बात की बल्कि वो मुझसे मिलने भी आया। वाकई? तुम सच कह रही हो? हाँ। बस अब तुम डटी रहना, तुम देखना मैं कितनी जल्दी तुम्हारी उससे शादी करती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, इस बार कोई निशाना नहीं छूटेगा। छूटना भी नहीं चाहिए, बात मेरी इज्जत की है। मैं इस बुढ़िया को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की जिंदगी में जिल्लत लिखी होती है, जैसे कि इसकी जिंदगी में। सच कह रही हूँ ना? वो तुमसे आया था मिलने? आ जाओ भाई। आज का सारा खाना अलीना ने बनाया है। अच्छा, अरे भाई ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, आराम करो, इसके लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे सब्जी काटता हुआ देख के कहने लगी कि आज का खाना मैं बनाऊंगी। मैंने सारी रेसिपीज इंटरनेट से देखकर बनाई है। अच्छा, नहीं सीख जाओगे तुम, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। अब तुम ही ने तो संभालना ये सब कुछ। देखते हैं तुम्हारा इंटरनेट क्या कहता है। अरे ये ईमेल आने वाली बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज पता नहीं सुबह से आज मेरे भी पेट में बहुत दर्द था। सोचियो खाना ना खाऊं, आराम कर लेती हूँ, खाना खाऊंगी कहीं और तबीयत ना खराब हो जाए। तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। मैं कुछ ऑर्डर कर देती। बहुत अच्छा बना। दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे हो हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को।